हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों मैं चुका न्यू वीडियो आपके। दोस्तों आज मैं आपको सुपरमैन का चीट कोड बताने वाला हूँ और साथ में स्पाइडरमैन का भी चीट कोड बताऊंगा, क्योंकि भाई सुपरमैन की एक ऐसी चीज है जो आपको आसमान में उड़ाएगी और स्पाइडरमैन ऐसी है जो छलांगे लगाती है बिल्डिंगों पे। वैसे छलांगे मैं आपको एक बाइक में दिखाऊंगा और वो बाइक बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो बाइक आपको पता भी होगा, बट अगर नहीं पता है तो चलो वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना और चलो अपनी जो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बताते हैं कौन सी बाइक है और कौन सी बाइक जो सुपरमैन की तरह है उड़ाने वाला। तो यहाँ पर मैंने जो देखो स्टार्ट कर लिया है और पहले भाई चीट कोड यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रहा पहला चीट कोड दोस्तों। आप पहले हमें मंगा लिया थार। थार को जैसे आप मंगाओगे, अगर आपको चीट कोड नहीं पता तो न्यू, अगर न्यू क्रिएटर हो तो यहाँ पर 91 91 डायल कर लेना और आपको ओल्ड वाली थार देखने को मिल जाएगी। आप इसको ब्लैक करें या नीला करें या आसमानी करें, कोई भी कलर करें, बस आपको इसमें बैठ जाना है। यहाँ पर जैसे मैं कर लेता हूँ नीला, यहाँ पर मुझे नीला पसंद आया तो यहाँ पर नीला कर लेता हूँ और बैठ जाता हूँ। अब बैठने के बाद दोस्तों अब इसको तोड़ लेते हैं। और भाई बिना तोड़े इसको कहाँ मजा आने वाला, चलो इसको तोड़ते हैं। अब मैंने स्टार्ट कर दिया इसको तोड़ना और भाई आप वीडियो छोड़ के मत जाना, मैं आपको बताने वाला हूँ भाई कौन सी बाइक है जो सुपरमैन की तरह नहीं दोस्तों स्पाइडरमैन की तरह छलांगे लगाती है और सुपरमैन की तरह कौन सी चीज है जो हमें उड़ाती है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी थार भगा लेते हैं और इसको दगा देते हैं अपने, और यहाँ पर देखना अभी थार कैसी हमारी पलटती है, इधर से उधर भागती है और यहाँ पर छलांग लगा के बहुत तेज उड़ने वाली है। ये देखो अपनी थार तो उड़ के भाई यहाँ पर देखो टूट फूट चुकी है। तो अभी दोस्तों मैंने अभी बताया नहीं है, बस बताने वाला हूँ तो बस वीडियो में बने रहना। और जो अपनी थार है यहाँ पर पलट चुकी है, अब भाई इसको बहुत चला लिया है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ऐसी को भाई स्पाइडरमैन वाली बाइक। ये रही दोस्तों स्पाइडरमैन वाली बाइक। हाँ दोस्तों घोस्ट राइडर बाइक डबल 4x5 दबाने पे आपको देखने को मिल जाएगी और यही बाइक स्पाइडरमैन की तरह छलांगे लगाती है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ तभी आप बात मानेंगे। तो ये देखो देखो यहाँ पर भाई प्रूफ देखो भाई, यहाँ पर स्पाइडरमैन की तरह छलांगे भाई मारने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था भाई। यहाँ पर देखते रहना और मैं बहुत सारे भाई छलांगे लगाता हूँ, भी लंबी लंबी ऊपर ऊपर तक उड़ाता है दोस्तों। और सुपरमैन का भी बताऊंगा, तो पहले स्पाइडरमैन की तरफ देखो भाई। यहाँ पर देखो अगर स्पाइडरमैन आपको बनना है तो ये देखो भाई यहाँ पर गाड़ी आ रही है और ये रात पहला छलांग, ये बन गए स्पाइडरमैन। और ये भाई यहाँ पर थोड़ा सा ये देखो भाई स्पाइडरमैन की तरह। अब दोस्तों यहाँ पर देखो पीछे भाई स्पाइडरमैन की तरह हमारी छलांग लग चुकी है और ये देखो भाई कैसे छलांग मारी जा रहा है स्पाइडरमैन की तरह, इधर से उधर भाग रहा है बंदा और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ये देखना भाई एक और छलांग, ये रहा मेरा जाला और ये फेरा मैंने जाला। देखो भाई कौन कितनी ऊपर उड़ती है भाई, बहुत ही ड्राइव ये घोस्ट राइडर बाइक बहुत ऊपर उड़ती है भाई, एकदम स्पाइडरमैन को याद दिला देता भाई, इतनी तेज तेज छलांगे लगाता है। और ये देखो भाई अभी और भी छलांगे दिखाऊंगा आपको। ये थोड़ा देर जैसे आप कार के पास जाओगे कार जल जाएंगी और राख हो जाएंगी। और यहाँ पर देखते हैं और थोड़ा सा मजा करते हैं, तो यहाँ पर देखना भाई और लंबी लंबी छलांगे आपको दिखाऊंगा। ये देखो भाई भाई छलांगे लगाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, आप भी छलांगे लगा के देखना बहुत ज्यादा मजा आएगा जैसे मैं यहाँ पर छलांगे लगा रहा हूँ। और देखते रहना ये देखो भाई ये और लंबी छलांग थी, मैं सोचा बिल्डिंग पे चढ़ जाए पर भाई और ऊपर चढ़ जाती है, मतलब ये देखो थोड़ा सा रह गया था। और ये देखो भाई ये चढ़ गई दोस्तों, ये भी थोड़ी सी रह गई थी और भाई बहुत लंबी लंबी तक छलांगे लगा रहा है जो भाई स्पाइडरमैन अपना। अब देखो भाई यहाँ पर ये वाली गाड़ी के साथ ये रही अपने एक और छलांग और इस पार नहीं जा पाई है। और छलांग दिखाता हूँ मैं आपको, तो देखना भाई इतनी स्पीड में लेके जाएगा बंदा। और देखना अब थोड़ी सी और डबल स्पीड कर लेता हूँ और ये देखो भाई सबसे लंबी वाली छलांग मारा स्पाइडरमैन ने। और फिर मैं आपको बताता हूँ एक और बार घुमा के। और भाई अब बारी है सुपरमैन का चीट कोड। ये रहा अपना सुपरमैन जो हवा में बातें करता है। देखो भाई आराम से 320 आप जैसे डाल करोगे आपको उड़ने का टोला मिल जाएगा, जो कि सुपरमैन के पीछे पर्दे लगे हुए थे, इसके पीछे लगे हुए पंखड़ी जो कि हमें सुपरमैन की तरह उड़ाएगा। देखो भाई कैसे तक ऊपर उड़ा रहा है, अब बन गए हम सुपरमैन। देखो भाई और तेज उड़ने लग चुका है और अब जहाज जितनी ऊपर उड़ सकते हैं कहीं पर भी उड़ के जा सकते हैं, किसी बिल्डिंग पे चढ़ सकते हैं और बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सुपरमैन की तरह एकदम दिख रहा है और हमारा जो पीछे पर्दा भी सुपरमैन की तरह लाल कलर का भी है। तो देखो भाई कितना मजा आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो कितना मजा आ रहा है, पीछे दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ये सिटी। और भाई हर जगह पर हरियाली हरियाली है और सड़कें भी देखो भाई कितनी मस्त बनी हुई है। और जो अपना सुपरमैन की तरह भाई यहाँ पर एंट्री हो चुकी है और ये देखो मैं नीचे कूद जाता हूँ। अब यहाँ पर कुछ एक और चीट कोड मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। और भाई यहाँ पर देखना अब मैं मंगाने वाला हूँ अनलिमिटेड
डायनासोर्स। और ये देखना भाई, आपको सिंपल इसे टैप करना है। पहले यहाँ पर एक कार देख लीजिए, चार बार तीन दबाने पे, चार बार चार नहीं, तीन बार चार दबाने पे आपको देखने को मिल जाएगी। और ये रही अपनी 6000 पे, मतलब जो भाई दबी नहीं, मतलब आप क्लिक कर देना आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ और मंगा रहा था दोस्तों, मैं डायनासोर मंगा रहा था। ये देखो डायनासोर छोटा वाला, ये मिनी डायनासोर है। मैं आपको बहुत सारा डायनासोर दिखाऊंगा, पहले इसको मारता हूँ गोली, क्योंकि देखते हैं कितनी गोली मरता है। एक अभी तो नहीं लगा दोस्तों, ये रहा एक, ये दो, नहीं दोस्तों नहीं मारते यार, नहीं तो भी ये बंदा मतलब मर जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो चलो अब मैं ऑल अनलिमिटेड डायनासोर मंगाता हूँ। यहाँ पर देखना, एक साथ बहुत सारे डायनासोर आप नहीं मंगा पाते, देखना भाई मैं ट्रिक बताता हूँ आपको बहुत सारे डायनासोर मंगाते हुए। और ये देखो 53 दबाने पर एक ये वाला डायनासोर आया। अभी तो देखो मैं पहले एक एक करके दिखाता हूँ, फिर बाद में अनलिमिटेड मंगाता हूँ। तो यहाँ पर 52 पर ये डायनासोर आया, और देखो भाई और दिखाता हूँ दोस्तों जो अभी, और थोड़ा सा पीछे होकर देख लेते हैं भाई ये डायनासोर कहाँ कहाँ घूम रहे, भाई बिल्डिंग के आर पार निकल जा रहे हैं, देखो भाई डायनासोर। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ अब अनलिमिटेड जो कि डायनासोर आप मंगा सकते हैं। अभी रुको देखो, ध्यान से देखना भाई कैसे मंगाता हूँ मैं, आप बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना और आपके में बहुत सारे अनलिमिटेड डायनासोर भी आ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा वैसे ही करना, और देखते हैं ये डायनासोर क्या इंसान को खाता है। तो दोस्तों ये डायनासोर इंसान को नहीं खाता, देखो इसके मुंह के सामने से गया है बट नहीं खाया, तो चलो वो भी बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर 500 पर तो ओडी आती है, इसको मैं सोचा कोई डायनासोर बन नया आया, पर नया डायनासोर नहीं है, अभी यही वाले डायनासोर हैं। और यहाँ पर 54 पर भी कोई डायनासोर नहीं है, या 53 पर है दोस्तों वो बड़ा वाला डायनासोर। और ये यहाँ पर देख लेते हैं, और अब 51 पर डायनासोर ये वाला है जिसके ऊपर पंखड़ी लगी है, और 52 पे अपना वही 55 पर भी कोई डायनासोर नहीं है, 53 पर भी कोई डायनासोर है दोस्तों, 53 पर डायनासोर है। अब मंगाते हैं अनलिमिटेड डायनासोर, देखो भाई ध्यान से, अब देखना अनलिमिटेड डायनासोर मंगाता हूँ मैं, अब ध्यान से देखना ठीक है। अब आपको क्लिक करना है यहाँ पर देखो, और यहाँ पर चले जाना। अभी तो मैं थोड़ा सा डायनासोर देख लेता हूँ घुमा घुमा के कितने डायनासोर हैं, आधे तो बिल्डिंग के उस पार हैं, आधे बिल्डिंग के अंदर घुसे हुए हैं। और यहाँ पर देखो अब 53 जैसे कट 53 पर डायल करके तुरंत कट करके तुरंत डायल करके यहाँ पर देखो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, और ये देखो भाई तुरंत डायल, हरा वाला दबा के लाल दबाना है, हरा वाला दबा के लाल वाला दबाना है, इसी तरह जल्दी जल्दी कर करके यहाँ पर देखो भाई कितने सारे डायनासोर्स आ चुके हैं। इस तरह मैं जल्दी जल्दी डायल करके फिर यहाँ पर काट ही दे रहा हूँ, और वापस भी आ रहा हूँ, फिर काट दे रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ। इस तरह देखो भाई बहुत सारे डायनासोर मैंने मंगा दिए हैं, और आप भी अनलिमिटेड डायनासोर मंगा सकते हैं इसी तरह। अब दोस्तों बताते हैं, मैं और चीज बताता हूँ दोस्तों को, आपको जेसीबी का भी चीट कोड बता देता हूँ, ये भी देख के जाना जेसीबी का भी। और ये देखो भाई बहुत सारे डायनासोर हैं, इधर से उधर भाग गए, और आधे डायनासोर पता नहीं कौन सी बिल्डिंग के अंदर घुस गए हैं। चलो जेसीबी का चीट कोड बताता हूँ मैं, और यहाँ पर जेसीबी का चीट कोड है दोस्तों, आप जेसीबी का चीट कोड यहाँ पर देख लेना ध्यान से। यहाँ पर आपको 666677 वैसे ही आप डायल करोगे आपको जेसीबी देखने को मिल जाएगी, आप इसके अंदर बैठ के चला सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको मूव करके भी दिखा देता हूँ, मतलब चला के दिखा देता हूँ, आप ध्यान से चलाना ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा बंदा स्लो मोशन में, देखो भाई कैसे चढ़ रहा है, थोड़ा स्लो मोशन हो गया है, अब देखो भाई कैसे चढ़ रहा है। और डायनासोर अपना देखो भाई एकदम सामने से निकल रहा है, और ये देखो भाई बड़ा सा हैंडल भी लगा है, बंदा अंदर बैठ चुका है, और अपनी जेसीबी के बहुत सारे जो यहाँ पर पार्ट्स खुल गए हैं, बहुत सारे एरो के निशान दिख रहे हैं आपको, और कौन सा आपको दबाना है कौन सा नहीं दबाना है वो मैं भी आपको बताऊंगा, और चला के भी दिखाऊंगा भाई यहाँ पर कौन कौन से स्टेप मतलब काम करते हैं इसके, सारे मतलब काम करते हैं, ऐसे कोई बात नहीं जो काम ना करती हो। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर देखो अपनी जो गाड़ी थोड़ी स्लो चल रही है, अभी इसका मैं सोल्यूशन लाता हूँ थोड़ा। मैं यहाँ पर मैं दबा के रखा था दोस्तों स्लो मोशन वाला, तो मैं भूल गया था कि गाड़ी कैसे स्लो चल रही है, तो मैं उतर के इसको सेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं बाहर उतरता हूँ तो यहाँ पर मैं स्लो मोशन वाले ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो अपना जो स्पीड में उतरने लग जाता है, देखना आप ध्यान से, ये देखो भाई अपना स्लो मोशन हट चुका है। आप इसके अंदर बैठ के आप आराम से इसको चला सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठने जा रहा हूँ, ये देखो दोस्तों मैं जेसीबी के अंदर तुरंत बैठ गया हूँ, और तुरंत अपने जो चलने लगा। और ये स्लो मोशन दोस्तों आपको ऊपर जो स्टार्स और वो आधा चक्कर दिख रहा होगा गोला सा, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको स्लो मोशन हो जाएगा, और आप उस पर क्लिक करना तो हट जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैसे कैसे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और ये देखो भाई कौन सा पार्ट्स खुल रहा है, और अपनी जेसीबी ऊपर उठ गई है देखो भाई कैसे। और ये देखो भाई यहाँ साइड से वाले दबाने के, इस साइड वाले जहाँ पर गन दिख रही है वहाँ पर दबाओगे तो ये देखो भाई ये भी ऊपर, और पीछे वाला देखो कैसे इधर से मूव कर रहा है और चलाने में मजा आ रहा है, और ये देखो भाई नीचे हो जा रहा है,
और जैसे कि बस यार जमीन खोदती तो और मजा आता, पर यहाँ पर जमीन हमें खोदती नहीं है तभी मजा नहीं आ रहा था। और यहाँ पर भाई कुछ नहीं करता, बस ऐसे मूव करता, इसलिए खास नहीं है जिससे भी। और अगर जमीन अमीन खोदता तो मजा आता फिर चलाने में इसको, बट यार कुछ नहीं होता, बस ये इसी तरह हैंडल वैंडल ले आता है और कुछ नहीं है इसमें। और ये देखो भाई इधर से उधर मूव कर रहा है बस, और यहाँ पर देखो इधर से मूव कर रहा है, और ये अपना ऊपर उड़ जाता है, टायर अपने उड़ जाते हैं ऊपर। तो उस टायर देखो भाई कैसे उड़ गया है, और आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं। और ये देखो पीछे वाला हैंडल इसका ऊपर हो रहा है नीचे भी हो रहा है, और ध्यान से देखना। तो ये देखो भाई, देखो भाई नीचे, मैं सोचा गाड़ी को अभी मार देता हूँ, इसको गाड़ी को थोड़ा चढ़ा के देखता हूँ। तो यहाँ पर तो शायद प्लास्टिक के लग रहे हैं, लोहा तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल जैसे। और जैसे थोड़ा पीछे जाता हूँ वो अटक जाता है, तो थोड़ा इसको नीचे नहीं ऊपर को कर लेते हैं, और ये हट गया ऊपर। अब यहाँ पर पिछला वाला टायर उठा भी सकते हो, अगला टायर तो ऑप्शन नहीं है, पिछला टायर उठा सकते हो, और जो आगे वाला पीछे वाला दोनों को मूव कर सकते हो उधर से उधर, जैसे कि मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक ग्लिच हो जाता है, हमारा जो बंदा है देखो भाई किसके अंदर लुक गया, मतलब किस पाइप के अंदर ही घुसा पड़ा है, और ये निकलता है बाहर, बाहर जैसे निकलता है ये मर जाता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो, कैसे लगी दोस्तों कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करता, मिलता है अगली।